नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। देवभूमि की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा। करते खबरों की शुरुआत देहरादून से बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक की। कुंभ मेले के उच्च अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई, जिसमें शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, अखाड़ा परिषदों के संत भी उपस्थित नजर आए। 2021 में होने वाले महाकुंभ को भव्य आयोजन के लिए ये बैठक हुई है। संत समाज से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का आग्रह है कि शाही स्नानों की तिथि समय पर निर्धारित हो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का अधिकारियों को निर्देश कि मेला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया जाना चाहिए। इस तरह के निर्देश अधिकारियों को दिए गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से। बकायदा इस बैठक में विस्तार से चर्चा की गई कुंभ मेले को किस तरह से सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके, इसको लेकर मंथन हुआ। दिशा निर्देश सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जारी किए। रेजिडेंट एडिटर फहीम इस वक्त हमारे साथ देहरादून से फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। फहीम, आपसे जानना चाहेंगे कुंभ मेले को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई, क्या कुछ दिशा निर्देश इस बैठक में सीएम की तरफ से जारी किए गए? देखिए शिल्पा, सीएम ने बैठक महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के, और इसमें तौर पर ये रहा कि जो कुंभ का मेला क्षेत्र है, महाकुंभ मेला क्षेत्र है, वहां पर किसी तरीके का अतिक्रमण, हालांकि लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं, तो लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई अतिक्रमण रहता है या नया होता है तो उसको रिमूव किया जाए और नया ना होने पाए, लेकर के बहुत सख्त हिदायत है। और दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महाकुंभ में शाही स्नान की तिथियों को बहुत गंभीरता बरती जाती है, तो लिहाजा समय से शाही स्नान की तिथियों को निर्धारित करने का आग्रह मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अखाड़ा परिषदों से किया है। और आज की इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण साधु संत के साथ, अखाड़ा परिषदों के साथ जो बैठक हुई है, उसमें कई सुझाव भी सीएम ने लिए हैं और उन सुझावों पर भी चर्चा हुई है कि कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर के बेहतर तरीके से हो सकता है। लिहाजा महाकुंभ को लेकर के सरकार की जो गंभीरता है, उसी के तहत आज ये बैठक ली गई है। और इसके साथ ही जो उद्देश्य रहा है, वो तारीखों को लेकर के शासन की और व्यवस्थाएं ठीक करने को लेकर के निर्देश दिए गए। इन निर्देशों पर फहीम, फिर संत समाज की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है? संत समाज ने कहा है कि वो शाही स्नानों की जो स्थिति उनको समय से निर्धारित करते हुए सरकार को कर दिया जाएगा, उसमें कहीं विलंब नहीं हुआ। और जो कुछ सुझाव दिए गए व्यवस्थाओं को लेकर, उन पर भी अपेक्षा की गई है कि सरकार उन व्यवस्थाओं को लेकर के भी ताकि सुगमता पूर्वक शाही स्नान भी हो सके और महाकुंभ मेला सुविधा अनुसार सुगमता के साथ निपटारा हो सके, वो एक बड़ा आयोजन और बहुत बड़ी बिल्कुल बहुत बड़ा आयोजन ये होने वाला है। ऐसे में फहीम ये बताए कि अवैध अतिक्रमण को लेकर हर बार इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे, एक बार फिर से कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से। ऐसे में संत समाज कैसे ये सुनिश्चित करेगा कि अवैध अतिक्रमण ना होने पाए, क्योंकि दावे तो कर दिए जाते हैं लेकिन हकीकत फिर बाद में कुछ और मिलती है? देखिए, अवैध अतिक्रमण को लेकर समाज की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। और जो ऑफिसर बैठक में रहे हैं और कुछ शहरी विकास मंत्री भी रहे, उनकी नॉलेज में भी इस मामले को लाया गया है और प्रशासनिक अधिकारियों से उम्मीद की गई, उनको निर्देश इस तरीके से दिए गए हैं कि जो पुराने अतिक्रमण है, उनको जो अभियान चलाया गया था उसके बावजूद अगर कहीं रह गया तो उसको रिमूव किया जाए और नया कोई किसी तरीके का स्थायी अतिक्रमण ना हो पाए, इसका ध्यान रखा जाए। तो लिहाजा प्रशासन काफी इस बात की जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। बिल्कुल, प्रशासन की जिम्मेदारी, प्रशासन की जवाबदेही इस पर बनती है। फहीम, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी हम आपसे बातचीत को जारी रखेंगे। अब खबर देहरादून से, जहां असम से आए बच्चों से राज्यपाल बेबी रानी मौर्या ने मुलाकात की। जी हां, असम के कार्बी आंगल इलाके से 25 छात्रों का दल पहुंचा हुआ है। भारतीय सेना के राष्ट्रीय एकता भ्रमण के तहत ये बच्चे वहां देहरादून पहुंचे हुए हैं। सातवीं और आठवीं कक्षा के स्कूली छात्र असम के सीमांत इलाके से है। देहरादून में घूमने के बाद ये छात्र दिल्ली के राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे। पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर जाने का भी इन छात्रों का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने, इन छात्रों की मुलाकात उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्या के साथ। 25 छात्रों का ये दल है जिसने आज राज्यपाल से मुलाकात की।
कल देहरादून में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। जी हाँ, बारिश और ठंड बढ़ने की वजह से कहा जा रहा है, मौसम विभाग ने ये संभावना जाहिर की है। जिलाधिकारी देहरादून सी रविशंकर ने छुट्टी घोषित की है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कल शुक्रवार का अवकाश रहेगा। यह अहम खबर, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कल यानी कि शुक्रवार को अवकाश रहेगा। कल देहरादून में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा लगातार हमारे साथ मौजूद है, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। फहीम, जिलाधिकारी देहरादून ने जो आदेश जारी किया है, क्या कुछ कहा गया है और क्या कारण बताया गया है? देखिए शिल्पा, चूंकि मौसम का जो मिजाज है वो बदला है कल से, और आज लगातार देहरादून घाटी में बारिश होती रही है सुबह से ही, और अभी भी इस वक्त भी बूंदाबांदी है और ठंड बढ़ गई है। और कल के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कल और थोड़ी तेज बारिश होगी और बर्फबारी जिस तरीके से पर्वतीय इलाकों में हो रही है, पर्वतीय जिलों में बर्फबारी बहुत तेज है और ये लगातार अभी कल भी जारी रहेगी। तो लिहाजा ठंड ज्यादा बढ़ने को लेकर के, बरसात ज्यादा तेज होने को लेकर के जो संभावनाएं हैं उसके मद्देनजर जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों की छुट्टी की है कक्षा 12 तक, और आंगनबाड़ी केंद्रों की भी छुट्टियां की गई है। यानी किसी तरीके की कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है प्रशासन बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के, लिहाजा कल स्कूलों की छुट्टी रहेगी पूरे जिले में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका फहीम तन्हा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बारिश की वजह से, बर्फबारी की वजह से, बढ़ती ठंड के चलते कल छुट्टी घोषित की गई, कल अवकाश रहेगा, स्कूलों की छुट्टी रहेगी। उधर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, केदारनाथ धाम में 1 फीट तक बर्फ जम गई है। जी हाँ, चमोली के औली की बात करें तो वहां भी जमकर बर्फबारी हो रही है। सभी स्लोव बर्फबारी की वजह से सफेद हो रहे हैं। दून घाटी में भी हल्की बर्फबारी की खबर है और बर्फबारी की वजह से वहां हाड़ कपा देने वाली ठंड बढ़ती जा रही है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने, रुद्रप्रयाग, देहरादून और चमोली से। ये देखिए बर्फबारी की वजह से किस तरह से सफेद चादर सी पहाड़ों पर बिछ गई है। रुद्रप्रयाग की तस्वीर जहां देखो वहां सफेद चादर ओढ़े बर्फ नजर आ रहा है। देहरादून की तस्वीर और 3री तस्वीर चमोली की, यहां भी पेड़ पौधे पहाड़ जहां नजर जाती है वहां बर्फ की चादर नजर आती है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की ये स्थिति आपके सामने। केदारनाथ धाम की बात की जाए तो वहां तो 1 फीट तक बर्फ जम चुकी है और इस तरह से बर्फ के आगोश में देवभूमि नजर आ रही है। बर्फबारी की वजह से ठंड भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी संभावना जता दी गई है कि ठंड अभी आगे और बढ़ेगी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहां भी ठंड का असर देखा जा रहा है। उधर रुद्रपुर केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी से 1 फीट तक बर्फ वहां जम गई है। निचले इलाके की बात करें तो वहां भी कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही है और न्यूनतम तापमान -7 डिग्री के पास आज बताया जा रहा है। इस तरह से तापमान लगातार नीचे लुढ़कता हुआ और कड़ाके की ठंड बढ़ती हुई, न्यूनतम तापमान -7 डिग्री के पास। रुद्रप्रयाग हो, केदारनाथ हो, केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी की वजह से 1 फीट तक बर्फ जम गई है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, बर्फ की आगोश में किस तरह से तस्वीरों में रुद्रप्रयाग समाया हुआ नजर आ रहा है। रुद्रप्रयाग से ये केदारनाथ धाम के एरियल शॉट्स आपके सामने हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए किस तरह से केदारनाथ धाम बर्फबारी की वजह से 1 फीट तक वहां पर बर्फ जम गई है। लगातार बर्फबारी हो रही है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ रही है। इस तरह से सफेद बर्फ की चादर केदारनाथ धाम के आसपास आप देख सकते हैं,
बर्फबारी से 1 फीट तक वहां पर बर्फ जम चुकी है। पहाड़ी इलाके ठंड की आगोश में, बर्फ की आगोश में समाये हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, केदारनाथ धाम की ये दोनों तस्वीरें। एरियल शॉट के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। और अब खबर चमोली से, जहां पर्यटन स्थल औली में जमकर बर्फबारी हो रही है। जी हां, विंटर गेम्स के लिए मशहूर है चमोली जिले का औली, स्कीइंग के लिए काफी मशहूर है। यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, कई बेहतरीन स्लोप्स यहां पर मौजूद है और ये सारे स्लोप्स बर्फबारी की वजह से सफेद हो गई है। सफेद बर्फ की चादर सी वहां हर तरफ नजर आ रही है। तो पर्यटकों के लिए ये अच्छी खबर, क्योंकि बर्फ को देखने के लिए ही बड़ी संख्या में चमोली के औली पर्यटक पहुंचते हैं, पहले से ही अपनी एडवांस बुकिंग रखते हैं। और भारी बर्फबारी में पर्यटकों के चेहरों पर बेशक से खुशी दिखती हो, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के लिए यह परेशानी का सबब भी बन जाता है। वहीं उत्तरकाशी में बर्फबारी से पहाड़िया जिले में यमुनोत्री, गंगोत्री, हर्षिल, हरकिदनू में बर्फ पड़ी है, जिस वजह से बर्फ से ये तमाम पहाड़ी इलाके गुलजार नजर आ रहे हैं। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सीजन की ये तीसरी बर्फबारी है। सैकड़ों गांव में 5 से 6 इंच तक की बर्फबारी वहां देखी जा रही है, जिस वजह से तापमान में भारी गिरावट और तापमान में गिरावट की वजह से कड़ाके की ठंड भी बढ़ती जा रही है। उत्तरकाशी में पहाड़ बर्फ से गुलजार नजर आ रहे हैं। तमाम पर्यटक जो बर्फबारी को देखने के लिए, बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए यहां पहुंचते हैं, वो बेहद खुश हो रहे होंगे इस वक्त। सीजन की ये तीसरी बर्फबारी, जहां देखो वहां बर्फ की चादर नजर आ रही है। और इस तरह से बर्फबारी के चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सैकड़ों गांव में 5 से 6 इंच तक की बर्फबारी देखी जा रही है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में, आगे बात करेंगे काशीपुर की, जहां खाकी शर्मसार हुई है। जी हां, कांस्टेबल पर दरअसल यहां पर एक युवती ने संगीन आरोप लगाए हैं। दुष्कर्म के आरोप है, जबरन गर्भपात करवाने और जान से मारने की धमकी देने के भी आरोप कांस्टेबल पर लगाए गए हैं। कांस्टेबल पर यही नहीं, अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का भी आरोप युवती की तरफ से लगाया गया। पीड़ित युवती ने आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सहयोग करने पर आरोपी की बहन और अन्य 6 को नामजद किया गया। आरोपी कांस्टेबल IRB बैल पड़ाव में तैनात है और दर्ज मामले पर जांच पड़ताल में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। दीपक सावल को जानती हूँ स्कूल टाइम से, और वही मेरे स्कूल पर आता था, और सन 2015 से जानती हूँ। तो उसने मुझे अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया, और धीरे धीरे जैसे ही बात साथ होती रहती थी तो उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। ऐसी फ़ोन पर बात होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन अचानक से उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया, तो फिर सिटी स्टार होटल में सन 2016 में, तो फिर उसने मुझसे ये कहा कि अगर जैसा मैं कहूँगा तूने वैसा नहीं किया तो मैं तुझे तेरे घर वालों को वीडियो दिखा कर वायरल कर दूँगा वो वीडियो। धीरे धीरे ऐसी बात चलती रही। तो उस टाइम पर मैं नाबालिग थी। तो फिर एक बार उसने मुझसे कहा कि मिलने के लिए आ, तो मैं चली गई। तो फिर वो प्रेगनेंट हो गई थी। तो उसने फिर मुझसे कहा कि बच्चे गिरा दे, शादी तुझे से करनी है। तो फिर मैंने दवाई खा ली, अचानक से वो मुझे जहर पिलाने लगा था। फिर मुझे उल्टी सी आ गई थी। तो उसकी मम्मी ने, उसका विपिन भाई है, तो फ़ोन करके कहा अगर तूने मेरे लड़के के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो मैं तुझमें आग लगा दूंगी। और उसकी बहन ने मुझे धमकी दी थी, पूजा रानी है, इंस्पेक्टर है वो, कि तुझे जिंदगी में जला के आग लगा दूंगी, तेरे घर वालों को झूठे केस में फंसा।
वहीं हरिद्वार में जिला जेल में मोबाइल फोन मिलने पर प्रशासन की सख्ती सामने आई है। जिला प्रशासन ने जेल में जैमर लगाने की एडवाइजरी जारी की है। जिला जेल में 10 महीने में 12 से ज्यादा मोबाइल फोन अब तक बरामद हो चुके हैं। जेल में मोबाइल फोन मिलने के मामले में 3 मुकदमे दर्ज हैं। तीनों ही दर्ज मुकदमों पर पुलिस की तफ्तीश जारी है। इस मामले पर SSP सेंथिल कृष्णराज एस का बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि जेल के किसी भी कर्मचारी की मिलीभगत अगर सामने आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तब का रिपोर्ट मिलता है तो उसमें तुरंत हम FIR कायम करके विधिवत कार्रवाई हम कर रहे हैं। इसका अतिरिक्त हमने बहुत सारे समय एडवाइजरी भी जारी किया है जेल डिपार्टमेंट को, उसका जैमर वैमर थोड़ा सा ठीक हो गया। यदि किसी संदर्भ का वजह से जो है मोबाइल जेल के अंदर चलेगी तब भी वो प्रयोग ना कर पाए, सो पहले जब उसी बारे में हमने एडवाइजरी भी जारी किया है। लेकिन कहाँ तक पुलिस का भूमिका है, जो भी रिपोर्ट आता है उससे हम गहन इससे जो है हम जांच करते हैं और जो है कोई जेल कर्मी का भी उसमें लिप्त हुआ है उनका विरुद्ध हम जरूर कार्रवाई करेंगे। वही उधम सिंह नगर में कर्मचारी संघ ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिले के कर्मचारी DM कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। इन कर्मचारियों ने मुख्य सचिव को सामूहिक त्याग पत्र भी भेजा है। DM जगदीश कांडपाल पर दरअसल उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। कर्मचारी संघ ने मजदूरों जैसा बर्ताव करने का भी उन पर आरोप लगाया। तो DM जगदीश कांडपाल पर यह गंभीर आरोप, कर्मचारी संघ ने मजदूरों जैसा बर्ताव करने का उन पर आरोप लगाया है और इस तरह से उधम सिंह नगर में कर्मचारी संघ ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। जिले के कर्मचारी DM कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने मुख्य सचिव को अपना सामूहिक त्याग पत्र भी भेज दिया है। शोषण हो रहा है इसीलिए कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। कई कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है, कई कर्मचारियों को रिवर्ट कर दिया है, उनको अपने वेतनमान से नीचे वेतनमान में कर दिया है और उनके खिलाफ क्या विभागीय कार्रवाई कर खोल दी है, फाइलें खोल दी हैं। कर्मचारियों का शोषण इतना हो रहा है कि वो रात को नींद सही से सो भी नहीं पा रहे हैं और घर के परिवार के लोग जो है और तनाव में हैं, टेंशन में उनको देख के। और कभी ऐसा हो सकता है कि कर्मचारी कहीं जहर खा के विशेष मांगे नहीं है हमारी, केवल सारे कर्मचारियों को जो उत्पीड़न हो रहा है उस उत्पीड़न के खिलाफ हमें न्याय चाहिए, इसलिए हम बैठे हैं। क्या किस तरह न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे। किस तरह का उत्पीड़न किया जा रहा है, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। काम का 8-8 घंटे काम करने के बाद भी 12 घंटे काम किया जाए, उसके बाद स्पष्टीकरण अनावश्यक रिवर्सन करते रहे। वही ऋषिकेश में कृष्णा नगर कॉलोनी नगर निगम में होगी शामिल। जी हां, कॉलोनी के लोगों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मेयर, पार्षद और पत्रकारों का सम्मान हुआ। सम्मान समारोह में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। नगर निगम से शामिल नहीं थी कृष्णा नगर कॉलोनी, लेकिन अब इसे शामिल कर लिया गया है। जी हाँ, कॉलोनी के लोगों के बीच खुशी का माहौल है और इसी खुशी को जाहिर करने के लिए यहाँ पर बच्चों की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की गई। कॉलोनी के लोगों ने ही सम्मान समारोह का यहां आयोजन किया, जिसमें मेयर, पार्षद और पत्रकारों का सम्मान हुआ। ये चिंता हर समय रहनी चाहिए कि एक मेरा ही घर नहीं, मेरा ही वार्ड नहीं, मेरा ही क्षेत्र नहीं, मेरा थोड़ा लगा हुआ क्षेत्र भी, मेरा पड़ोसी भी सुखी रहना चाहिए, उस तक भी ये विकास की किरण जानी चाहिए। तो आपके क्षेत्र में चाहे पथ प्रकाश की लाइट। चलिए इसी के साथ देवभूमि के खबरों में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।